तो एक दफा फिर आप सूरतों के साथ आ गए हैं, अब देखिए कब तक आते हैं। तो हमने लास्ट टाइम बेंजीन शुरू कर दिया था और बेंजीन में एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन आपको बताई थी। तीन अगर पहली बात में लिखा कि ये है सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड चैप्टर अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ने से पहले ये बात बताई थी। अब हमें समझ आ गई कि सैचुरेटेड वो कंपाउंड है जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड निस्बतन स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और इनका बेस्ट सिंपल केमिकल टेस्ट ये है कि ये केमिनोफोर या ब्रोमीन वाटर के कलर को खत्म नहीं कर सकते, ये ना छोटी छोटी फीचर्स हमारे पास चल गई। अनसेचुरेटेड वो हैं जिनके स्ट्रक्चर में किसी एक जगह पर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये निस्बतन अनस्टेबल और रिएक्टिव है, एडिशन रिएक्शन करेंगे और KNO4 और ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करेंगे। ये पढ़ा आप तक, तो एरोमेटिसिटी वालों ने बताया कि देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चरल फीचर अनसेचुरेटेड वाला है और बिहेवियर सेचुरेटेड वाला है। इनके कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे और आप ये उम्मीद लगाएंगे कि डबल बॉन्ड देख करके इन्हें ये बिहेवियर दिखाना चाहिए, मगर ये आपकी तवक्कात के बरक्स सैचुरेटेड बिहेवियर दिखाएंगे। तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो शक्ल से कुछ हैं, अमल से कुछ हैं। सो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज एरोमेटिसिटी, सैचुरेटेड बिहेवियर फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर इसी बात को हमने दूसरे तरीके से यूं कहा कि जो कंपाउंड सैचुरेटेड हैं वो स्टेबल होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो अब अगर एक कंपाउंड स्ट्रक्चर से अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब है यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो अनस्टेबल होगा, और अगर वो आपको सैचुरेटेड बिहेवियर दिखा रहा है तो इसका मतलब है वो आपको स्टेबिलिटी दिखा रहा है। इट मींस एरोमेटिक कंपाउंड की एक पहचान ये भी है कि उन्हें स्ट्रक्चर के लिहाज से जितना अनस्टेबल होना चाहिए वो उससे कुछ ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो दे हैव सम अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी है जो अनयूजुअल है, जो उनमें नहीं होनी चाहिए। उन्हें जितना स्टेबल होना चाहिए वो उससे कुछ ज्यादा ही स्टेबल है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहलाती है एरोमेटिसिटी। तो तीसरी डेफिनेशन तो अजीबो गरीब लिखी थी हमने, तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो अब स्टेप्स ये तय हुए पढ़ गया है। दूसरी डेफिनेशन अब समझानी है ये स्टेबिलिटी से क्या हो रहा है, और फिर तीसरी डेफिनेशन पे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तीनों काम करना है। तो अब सेकेंड डेफिनेशन पर लास्ट टाइम ये तय हुआ था कि हम जरा ये समझाएं कि व्हाट डू वी मीन बाय द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखकर उसके बारे में एक परसेप्शन डेवलप करते हैं, हमारे आइडिया के एन मुताबिक बिहेव कर रहा है तो वो एलिफैटिक नॉर्मल कंपाउंड है, लेकिन अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टेबल है तो वो एरोमेटिक है। एक और पॉसिबिलिटी भी बनती है, वो हो गए तो उससे ज्यादा स्टेबल है, जो इनको जितना है वो कहलाते हैं एंटी एरोमेटिक। तीन हो जाते हैं नॉर्मल यानी कि एलिफैटिक, इनको हम नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं, एक हुए एरोमेटिक
showing extra stability और एक हुए एंटी एरोमेटिक शोइंग एक्स्ट्रा इन स्टेबिलिटी, तो वो नहीं है हमारे। कैसा मैसेज जाता है कौन स्टेबल है, कहे ना जिसके नाम पर हमने डेफिनेशन बना दी थी बैंक यही तय किया ना हमने कि जिस बेंजीन का रिंग किसी वजह से अपनी औकात से बढ़कर स्टेबिलिटी दिखाता है, ठीक है ना। तो हम यही टॉपिक यहाँ पर रखते हैं ताकि ये बता, मैंने लास्ट टाइम कहा भी था ऑनलाइन कि ये तो एक ऐसी टर्म है जिसे गिनती से तो नहीं गिना जा सकता ना, हर चीज काउंट नहीं होती, कुछ चीज मेजर हो जाती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वालिटेटिव हैं वो नंबरों में मेजर नहीं होती। मेरी हाइट मेजर की जा सकती है स्केल रख के, लेकिन ये बात कि मैं कितना हार्ड वर्कर हूं ये कंपेयर तो हो सकती है यार, तुम इससे ज्यादा मेहनती हो वर्कर और ये है 29.5, ऐसे नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें क्वालिटेटिव होती हैं जो कंपेयर हो सकती हैं लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता। हमारा ख्याल है स्टेबिलिटी ऐसी ही चीज थी जो हमने कहा नहीं, स्टेबिलिटी को आप गिन सकते हैं इनडायरेक्टली, और वो स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर और फिर करेंगे कि स्ट्रक्चर बेंजीन उससे बहुत ज्यादा होता है, इस तरह बेंजीन ये तो आइए देखते हैं।
जब भी उसमें एक डबल बॉन्ड होगा वो 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ये वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है ये पाई बॉन्ड के साथ एसोसिएट है, इसका साइक्लिक या ओपन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ओपन चेन एल्कीन भी इतनी ही एनर्जी इवॉल्व करेगा, साइक्लिक एल्कीन भी इतनी ही एनर्जी। तो अब ये तय हो गया जिस कंपाउंड में एक डबल वो अपने सैचुरेटेड पार्टनर से हमेशा कितनी एनर्जी ज्यादा रखता है, 28.6। और जब भी आप उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे ये एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। दिस इज नाउ स्टैंडर्ड। तो अब आपका दिल क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और दो डबल बॉन्ड, तो कॉमन सेंस कहती है अगर एक डबल बॉन्ड की वजह से किसी कंपाउंड में 28.6 किलो क्या है इस डबल आएगी, अगर तो दिस इज नॉर्मल, और अगर नहीं आएगी तो दिस इज एरोमेटिसिटी और एबनॉर्मल। यही चेक करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। सेकेंड हाइड्रोजिनेशन हेक्साडाइन। नाउ यू शुड कंसीडर दिस कंपाउंड वेयर यू हैव टू डबल बॉन्ड्स, वन एट कार्बन नंबर वन एंड अदर वन इज थ्री, 1,3-5-hydroxyhexadiene। इसमें हाइड्रोजन उसी साइक्लोहेक्सेन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 57.2 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी इवॉल्व हो जाए। अब आ गया हमारा केस शुरू हो गया, बहुत बेकार है ना। अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी इज एरोमेटिसिटी। तो वो एक्सपेक्टेड क्या होती है वो ये रही, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हमने ये एक्सपेक्टेशंस बनाई। अब अगर ये कंपाउंड हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इतनी ही एनर्जी इवॉल्व करेगा तो हम इसे नॉर्मल एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन अगर ये इतनी एनर्जी इवॉल्व नहीं करेगा तो ये अबनॉर्मल हो जाएगा। अगर ये इससे कम एनर्जी इवॉल्व करेगा तो उसका क्या मतलब होगा, ये उतना अनस्टेबल नहीं है जितना आप समझ रहे थे। तो इसमें चोरी वाली थोड़ी सी स्टेबिलिटी मौजूद है, वो चोरी वाली स्टेबिलिटी असल में एरोमेटिसिटी। तो अब देख लेते हैं क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो एनर्जी इवॉल्व हुई वो थी तकरीबन 55 किलो कैलोरीज पर मोल। To be exact, 55.2. So, कितना डिफरेंस है, 2 कैलोरी। और जाहिर सी बात है ये डिफरेंस कोई खास डिफरेंस नहीं है। हमने कहा अच्छा ये भी क्यों आया, एग्जैक्ट 57.2 आया था, तो हमें पता चला अगर दो डबल बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर हो, एक 1 पर होता एक 4 पर होता तो 57.2 ही निकलता। ये ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो जाते हैं जब एक डबल एक सिंगल फिर डबल, तो थोड़ी सी एनर्जी हो जाती है। और ये ओपन चेन में भी होती है, क्लोज चेन में भी होती है, सारे कंपाउंड में, इसलिए ये नॉर्मली है। तो आपको इस कम से कम 2 से कोई ज्यादा परेशान होने की नहीं है, दिस इज नॉट एनीथिंग अनयूजुअल। व्हेन 1,3-cyclohexadiene इज हाइड्रोजिनेटेड वी एक्सपेक्ट 57.2 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी शुड बी evolve
इन एक्चुअल 55.2 kilocalories पर मोल इज इवॉल्व विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब है ना साइक्लोहेक्सीन में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, ना 1,3-cyclohexadiene में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये दोनों कंपाउंड वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा इनका स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है। ये जितने अनसेचुरेटेड स्ट्रक्चर वाइज हैं अपने काम से भी उतने ही अनसेचुरेटेड हैं। इन दोनों में से कोई एरोमेटिक नहीं है, दे आर नॉर्मल एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो अब आप क्या चाहते हैं, जरा असली खिलाड़ी को ले आइए। अब उस कंपाउंड के लिए आइए जिसमें इस तरह के 3 double bond हो, क्योंकि वो है बेंजीन। तो वो हमें क्या एबनॉर्मल दिखाएगा, क्योंकि अगर वो भी नॉर्मल दिखाएगा तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। मतलब असल जो जल्ला है उसी ने दिखाया। तो नंबर 3, तो ये दोनों इसलिए किए गए ताकि आप समझे बात को कि हमने अपनी एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप की। हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखकर असल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉर्मल सरफेस। तो क्या स्पेशल चीज बेंजीन ने हमें दिखाई। नंबर 3, हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1,3,5-cyclohexatriene। ये बेंजीन का वो नाम है कि अगर बेंजीन कोई स्पेशल कंपाउंड ना होता तो हम उसका यही ऑर्डिनरी सा नाम रखते, लेकिन हमने उसे नया नाम बनाकर ये नाम रिजेक्ट किया। ये है 1,3,5-hexatriene cyclohexatriene। क्या एक्सपेक्टेशन होंगी फॉर ए कंपाउंड विथ 3 double bonds, उसको देखते हुए एक्सपेक्टेशंस है -85.8 kilocalories पर मोल। और इसके रिजल्ट को देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि 2-4 का फर्क कोई फर्क नहीं होगा, कोई मेजर हो तो बात है। तो अब जब बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं, अगर आंसर 85.8 या उसके अरीब करीब आ गया तो फिर बेंजीन भी एक नॉर्मल कंपाउंड होगा, नो स्ट्रेंज और नो अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर। लेकिन हमें पता ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अब जब बेंजीन के साथ एक रिएक्शन किया तो कितनी एनर्जी निकली, कितना एक्स्ट्रा स्टेबल बेंजीन बन गया हमारी एक्सपेक्टेशन से के बरखिलाफ, ये बताना है। तो मना कर दिया, बोला बस किसी और की बारी है, बात बहुत हो गई। एक तो बच्चे देख के आप लोग खेल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कल भी आपने आना है, ऐसे नहीं कुल्ली नहीं कर देनी सारी चीजें आज पढ़ा दें तो कल के लिए क्या बचेगा। और ये बात भी आपको बता दें कि वो जो एक चक्कर चल रहा था सिलेबस के रिडक्शन का, इज नाउ कंफर्म। तो अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो अब हमने जो चीजें फर्स्ट कर लें ऐसी पढ़ा दी है जो रिडक्शन में आ गई हैं, तो वो हम आपको पूरी प्रॉपर तरीके से बता देंगे, जरा रिपीट कर लें। और फिर वो आपको अगर एक दफा याद हो गई है तो बताते हैं, जन्नत में जाएंगे आप। मतलब ऐसी फालतू चीजें याद करने वाले बच्चे जन्नत में जाएंगे, वो आप दोबारा मत बताइए, ठीक है ना। और इंशाल्लाह जब हम इंटर लेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट वाले प्रॉपर तरीके से आपको बता देंगे, और जो आगे आ रही है वो नहीं पढ़ते, ठीक है ना। हमें भी इतना